नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं, बहुत सुंदर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये देख रहे हैं, एक 12 सा लहसुन का घुंडी लिए हैं और एक ये धनिया थोड़ा सा, यानी कि समझिए कि ये 50 ग्राम ये है लहसुन, तो 50 ग्राम धनिया बराबर मात्रा में लेना है। और इसको क्या करना है कि चटनी बनाना है और एक लाल मिर्च डालना है। लाल मिर्च किधर गया? इस एक लाल मिर्च को इसमें डालेंगे। देख लीजिए, इसको डंटी जो है वो इसमें ऐसे, तो ये जब लाल मिर्च हम डाल देंगे तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम जिन लोगों को रहती है उनकी दूर हो जाएगी ये लाल मिर्च डालने से। और इसमें गर्मियों के मौसम में इसमें काला नमक डालना है। इसमें काला नमक अगर हम डाल देंगे तो कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। जो लोग क्या करते हैं कि लाल मिर्च डालते हैं और काला मिर्च नहीं डालते हैं, काला नमक, उन्हीं लोगों को तरह तरह की बीमारी होती है। ये आयोडीन नमक डालते हैं इसमें अगर जो लोग, उन्हीं लोगों को हार्ट अटैक होने की संभावना बना रहता है। दोस्तों अगर आप लोगों को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, शरीर में गर्मी महसूस होती हो, तो आप लोग जब भी सब्जी में डालें या चटनी में डालें तो काला नमक पीसी हुई डालिएगा, क्योंकि पिसा हुआ काला नमक डालेंगे आप लोग तो कोई प्रकार की दिक्कत जो है शरीर में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप लोग काला नमक नहीं डालेंगे तो कहीं पर भी आने में जाने में मुंह जो है वो सूखने लगता है। और कभी भी आयोडीन नमक खाना है तो कच्चा आयोडीन नमक नहीं खाना है किसी को भी, क्योंकि कच्चा आयोडीन नमक खाने से तरह तरह की बीमारी होती है। अगर आप लोग को अस्थमा की बीमारी है तो दोस्तों लेना है एक गिलास यानी आधा लीटर पानी और उसमें आधा चम्मच जो है आयोडीन नमक डाल करके उसको उबाल लेना है। उबालने के बाद में अगर आप लोग पियेंगे तो समझिए कि अस्थमा की बीमारी तुरंत राहत मिलेगी। लेकिन अस्थमा वाले रोगियों को ये जो चटनी है वही देना चाहिए लहसुन में डाल करके, ये नहीं कि धनिया पत्ता दे दिए और दूसरा कुछ दे दिए तो उनकी अस्थमा की बीमारी जो है वो तुरंत बढ़ जाएगी। दोस्तों अगर आप लोग अस्थमा से बचना चाहते हैं तो लहसुन का चटनी अस्थमा वाले रोगियों को जरूर देना चाहिए, और जब भी भात खाए यानी तब भी देना चाहिए। और ये देखिए मकई का भात है, मकई का भात जो है अस्थमा वाले रोगियों को बिल्कुल नहीं देना है। मकई का भात और दही एक साथ देने से उनकी अस्थमा की जूर हो जाएगी। दोस्तों ये बना है गैस्ट्रिक वाले रोगियों को, थोड़ा फार ठंडा पेट रखने के लिए। गैस्ट्रिक वाले रोगियों को कभी भी देना है तो जौ का सत्तू देना है और चना का सत्तू देना है, और खाना जो है थोड़ा थोड़ा खिलाना है, ज़्यादा खाना नहीं खिलाना है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो की जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अच्छे जानकारी लेकर के। माता दुर्गा जी से हरदम रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों के घर में खुशियाँ आगे पीछे झूमती रहें। थैंक यू दोस्तों, जहाँ भी रहें बने रहें, मस्त रहें।